गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन योर ऑनलाइन क्लास एट लिबे चौक से। बच्चों, हमने एक पोएम पढ़ी थी, वन साइज आ लिटिल बर्ड। आज उसके बर्ड में हम क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। तो देखिए, फर्स्ट वर्ड है वंस। वंस का मतलब होता है एक बार। जब हम कोई स्टोरी सुनाते हैं तो हम कहते हैं एक बार ऐसा हुआ, तो वंस का मतलब वही है एक बार। जैसे हम इंग्लिश मीनिंग में कह सकते हैं वन टाइम ओनली। सेकेंड वर्ड है बर्ड। बर्ड का मतलब होता है पक्षी या चिड़िया। थर्ड वर्ड है हॉप। हॉप का मतलब होता है कि जैसे कि हमने पोएम में पढ़ा था कि जो बर्ड थी वह बच्चे के पास हॉप हॉप करती हुई आती है। मूव बाई जंपिंग मतलब कूदती हुई आती है ना, कूदना जिसे हम कहते हैं। फिर फोर्थ वर्ड है विंडो। विंडो का मतलब होता है खिड़की, जो कि दीवार को ओपन करके बनाई जाती है। एंड ओपनिंग इन द वॉल मतलब कि दीवार को ओपन करके विंडो बनाई जाती है। फिर है सूप। सूप जो है वो सेकंड का पास्ट फॉर्म है, जिसका मतलब होता है हिला। सेक का मतलब होता है हिलाना, और जब सूप हम लिखेंगे तो सूप का मतलब होता है हिला। नेक्स्ट वर्ड है टेल। टेल का मतलब होता है पूंछ। द मोस्ट पार्ट ऑफ एन एनिमल मतलब कि आपने काफ़ी सारे पूंछ वाले जानवर देखे होंगे, जैसे कि बंदर, गाय, भैंस, वो क्या होती है, उसे क्या कहते हैं, पूंछ कहते हैं, जो कि पीछे की तरफ होती है। फिर है स्टॉप। स्टॉप का मतलब होता है रुकना, जिसे हम एंड भी कह सकते हैं। और नेक्स्ट वर्ड है कम। कम मीन्स होता है आना। अब देख लीजिए क्वेश्चन आंसर। दो क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द चाइल्ड सी मतलब कि व्हाट मतलब क्या, चाइल्ड मतलब बच्चा, सी मीन्स देखना मतलब कि बच्चे ने क्या देखा। द चाइल्ड सा अ लिटिल बर्ड मतलब कि बच्चे ने एक छोटी पक्षी देखी, जैसे कि हमारे चैप्टर का नाम भी है वंस। आई सा अ लिटिल बर्ड, आई मतलब मैं, ये कौन कह रहा है, बच्चा कह रहा है कि मैंने एक छोटा पक्षी देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वॉज द लिटिल बर्ड डूइंग मतलब कि जो लिटिल बर्ड थी वह क्या कर रही थी। द लिटिल बर्ड वॉज सिटिंग अपॉन अ विंडो, वह क्या बैठी थी, कहाँ बैठी थी, विंडो पर बैठी हुई थी लिटिल बर्ड। ठीक है, सभी बच्चे वर्ड मीनिंग एंड क्वेश्चन आंसर अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे, और साथ ही साथ कल बच्चों ने वर्क किया नहीं है, जो कि कल का वर्क था ड्राइंग करना और पोएम लिखना, सिर्फ एक बच्चे ने किया है, तो सभी बच्चे वो भी करें और आज का वर्क भी कंप्लीट करें। नेक्स्ट क्लास में हम आगे का करेंगे। थैंक यू।